फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं वर्जीनिया और मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मैंने ये छोटे छोटे दो बैग पैक किए हैं, इस पे मेरे और मेरे हबी का सामान भी अच्छे से आ गया है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। मैं नीचे जा रही हूँ, कार में बैठूंगी, आपसे सब कुछ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं। हम गाड़ी में बैठ गए हैं, हमने अपना सामान भी रख लिया है और अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेस्ट एरिया में रुकने जा रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे US का सबसे अच्छा पार्ट लगता है यहाँ की ग्रीनरी। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो रास्ते में ग्रीनरी आपको कैसी लगी। हम लोग रेस्ट एरिया में रुक गए हैं। हम लोग लगभग 12:30 बजे निकले थे और अभी 1:30 बज रहा है, तो 1 घंटा हो गया है हम लोग को निकले हुए। तो अब थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपने यहाँ जैसे जगह जगह पे ढाबे होते हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर रेस्ट एरियाज बनाए जाते हैं। तो ये जो सामने पे है वो रेस्ट एरिया है और इसके आसपास बहुत सारा पार्किंग स्पेस है। 10-15 मिनट रेस्ट लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं स्टारबक्स के लिए। यहाँ से काफ़ी पास है और गर्मी बहुत है, तो सोच रहे हैं कुछ अच्छी सी ड्रिंक ले लें वहाँ से। स्ट्रॉबेरी मिक्स है, लाइक इसीलिए लगता है पिंक ड्रिंक नाम है। सो फ्रेंड्स, अगेन वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी। यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है और अभी सोचा है कि नॉन स्टॉप चलना है, क्योंकि हम लोगों ने बीच बीच में ऑलरेडी 2 स्टॉप ले लिए हैं। सो गाइस, हम लोग वर्जीनिया पहुंच गए हैं फाइनली। और वर्जीनिया ना हिस्टोरिकल प्लेस भी है, सी बीच तो है ही है यहाँ पे। तो हम लोग तो एक दिन के लिए आए हैं, तो आई थिंक हिस्टोरिकल प्लेसेस तो विज़िट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे ना एक चेसापीक टनल है, वो ज़रूर जाएंगे हम लोग। और अभी हम लोग बीच के एरिया के पास आ गए हैं और होटल के लिए जा रहे हैं। काफ़ी कलरफुल सा बनाया है बीच के आसपास का एरिया। फ्रेंड्स, यहाँ के रास्ते ना इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, गूगल मैप्स ना होना तो डेस्टिनेशन तक ही ना पहुँच पाए। होटल पहुँच गए हैं, अभी रूम पे चलते हैं। तो लगेज मैंने साइड में रख दिया है और भाई, मतलब सी बीच तो एकदम सामने और समुद्र एकदम प्यारा सा दिख रहा है। ओ माय गॉड, ना एकदम मस्त सा व्यू बालकनी से। और ये जो ओशन आप देख रहे हो ना, अटलांटिक ओशन है, और नीचे लोग इतनी मस्ती कर रहे हैं। हाइट पे हूँ फिर भी मुझे आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो होटल रूम में लगेज रखने के बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर घूमने के लिए। और इस समय 6 बजा हुआ है,
खैर आज ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, हम लोग को थोड़ा लेट हो गया था, 9 बजे तक अभी अंधेरा होगा तो आराम से हम लोग अभी घूम सकते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट वगैरह भी 11 बजे तक खुले रहते हैं। और हम लोग ना यहाँ हैम्पटन इन में रुके हुए हैं, तो होटल से जो व्यू है ना वो बहुत अच्छा है, बट होटल ओके ओके है क्योंकि हम लोगों ने ना लास्ट मोमेंट में एकदम होटल की बुकिंग की है और सारे होटल्स फुल थे क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में तो सभी मस्ती करने के लिए बाहर जाते हैं। और ये ना नीचे का थोड़ा सा रेस्टोरेंट एरिया है, हम लोग भी अभी भूख लगाई है तो खाने का कुछ देख रहे हैं, कुछ लंच टाइप का करने को। तो फ्रेंड्स, ब्रॉडवे वर्जीनिया का ये बहुत फेमस है और सी बीच के किनारे लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, आप देख सकते हो, और किनारे पे रेस्टोरेंट भी बहुत सारे बने हैं। तो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट की ना बहुत सारी रिसर्च करने के बाद हम लोग आ गए ओशन हाउस, और यहाँ पे ना पूरा सी फूड मिलता है। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट तो बहुत प्यारा है, तो हम लोगों ने टेबल बुकिंग तो पहले कराई नहीं थी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। टेबल तो अब मिल गई है तो जल्दी जल्दी अपना लंच फिनिश कर लेते हैं। अभी शाम हो गई है और हम लोग स्ट्रीट वॉक के लिए निकल गए हैं, और आप लोग ना पूरा वीडियो देखना, इसे स्किप मत करना, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और मुझे इसे बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है। गाइज, अभी हम लोग एक हॉन्टेड हाउस में जा रहे हैं और ये तो अलग सा एक्सपीरियंस होगा हॉन्टेड हाउस में जाने का। तो अभी आप ना जो ये स्क्रीन देख रहे हो इसमें लोग भागते हुए बाहर आ रहे हैं, ये सेम अंदर ऐसे ही है। और मैं ना इस हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ, कैमरास तो अंदर अलाउड नहीं है, बट हाँ मैं बाहर आऊँगी ना तो बताऊँगी आपको कैसा रहा मेरा फुल ऑन एक्सपीरियंस। सो गाइज, ये जो बाहर वाले भाई साहब खड़े हैं ना पुतले में, यही डेंजरस लग रहे हैं देखने में, अंदर पता नहीं क्या होने वाला है। अभी मैं इस हॉन्टेड हाउस में जा रही हूँ और जल्दी से आपसे बाहर आके मिलती हूँ। सो गाइज, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही लाइक हॉरेबल एक्सपीरियंस था, और कहीं भी ना हॉन्टेड हाउस में बीच में रुक जाओ ना तो जो डेविल थे वो पीछे ही लग जा रहे थे, और अभी ना कुछ दूसरा देखें तो शायद वो चीज़ मेरे दिमाग से हटेगी। अभी हम लोग एक गिफ्ट शॉप में जा रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ ना तो एक मैग्नेट या कुछ ऐसी चीज़ ख़रीद लेती हूँ जो वहाँ की मुझे याद रहे हमेशा, और ये वाली गिफ्ट शॉप ना मुझे काफ़ी बड़ी लग रही है। तो चलो अंदर, मैं आ गई हूँ यहाँ पे और आप लोग भी देख सकते हो ना कितनी सारी चीज़ें हैं। सो मैंने यहाँ से एक मैग्नेट ख़रीद लिया है और एक फ़ोटो फ्रेम भी ख़रीदा है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। पैदल चलते चलते तो बहुत दूर आ गए, तो अभी हम लोग होटल एरिया के पास जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कह सकती हूँ कि वर्जीनिया बहुत अच्छी जगह है चिल आउट करने के लिए, और हम जहाँ रहते हैं US में वहाँ से ये पास भी है, लाइक 4 घंटे का ड्राइव है बस। तो अभी 10:30 बज गया है रात का और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है, तो अब सो जाएंगे जल्दी जल्दी ताकि मैं सुबह सी बीच इंजॉय कर सकूं। एंड रूम का व्यू बहुत अच्छा है, तो सी दिखता है बालकनी से, तो मेरा बहुत मन है कि मैं मॉर्निंग में सनराइज देखूं। सो गाइस, रात में रेस्ट अच्छे से लेने के बाद हम लोग मॉर्निंग में उठे और होटल में ही ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और अभी बीच आए हैं। खैर, ठंड तो बहुत है तो समुद्र में जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अभी बस ऐसे ही टहल रहे हैं हम लोग समुद्र के किनारे।
समुद्र को देख के ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो अलग सी शांति मिलती है। और ये हमारे होटल का बैक साइड का एरिया है जहाँ हमने स्टे किया हुआ है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं होटल, क्योंकि अभी बहुत ठंड है, 1-2 घंटे बाद आएंगे तो शायद मौसम अच्छा होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर से हम लोग आ गए हैं, और अभी हम लोग सी बीच के किनारे ही टहल रहे हैं। जो ये ब्रॉडवे है ना, मुझे बहुत पसंद है। और गाइस अभी हमें निकलना भी है, तो हमने यहाँ पे जो कोई वाटर स्पोर्ट्स और साइकिलिंग वगैरह कुछ नहीं की, तो अभी हमने उन्हें प्लान किया है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी हम बीच जाएंगे तो पूरा वाटर स्पोर्ट्स और साइकिलिंग वगैरह जो भी हमारा रह गया है वो सब करेंगे। बट वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसके बाद चेसापेक टनल जाऊँगी। लाइक वो टनल पूरा समुद्र के अंदर बना हुआ है। अभी तो ब्रॉडवे में मज़े करते हैं। हम लोग आ गए हैं ब्रॉड वॉक पे, जो फिशिंग पैर बना है उस पे आ गए हैं। ये पूरा वुडन ब्रिज बना है, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका पर पर्सन टिकट $3 है, टिकट भी हम लोगों ने ले लिया है। हवा इतनी चल रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना सब लोग फिशिंग कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं, पर ये लोग कर रहे हैं। और कि मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा समय बिताने के बाद हम लोग वर्जीनिया से निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम लोग लास्ट में चेसापीक टनल जाएंगे। तो ये ना एक ब्रिज है जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, और ब्रिज में कुछ पार्ट हम समुद्र के ऊपर चलते हैं और उन्होंने फिर अंदर पे टनल भी बनाई है। तो ये ब्रिज वर्जीनिया से डायरेक्ट मैरीलैंड सिटी को कनेक्ट करता है, तो हम लोगों को तो मैरीलैंड नहीं जाना है, तो हम लोगों ने बोथ साइड का टिकट ले लिया है अभी। सो गाइस हम लोगों ने एंट्री कर ली है इस ब्रिज में, और इतना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ समुद्र का पानी है, बहुत ही मस्त सा सीनिक व्यू आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं उस टनल के अंदर जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये इस ब्रिज का ही पार्ट है और प्रॉपर समुद्र के अंदर बनी हुई है ये। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये मेरा, और मेरे टूर का एंड भी बहुत अच्छे से हो रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक का बटन प्रेस करना। मुझे ऐसा लगेगा मेरी मेहनत आपको पसंद आई। तो मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।